अरे भाई, अरे भाई, अरे 2 बजे वाली तो उठ जा, 2 बज के 2 उठे। अरे यार भाई, अभी तो 1:30 बजे से सोया था मैं। अरे तो दिन की 2 बजी थी, 1:30 उठ। अरे भाई, दोपहर की 2 बज गई, दोपहर की 2, सुबह की 2 नहीं, दोपहर की। दोपहर की 2 बज गई। हाँ भाई यार, भाई मैं लेट सो रहा था एडिटिंग करके, कल भी एडिटिंग करा, आज भी करा, इस चक्कर में मेरे बाहर निकले। वो आज गोवर्धन पूजा, गोवर्धन नाश्ता, हाँ तो गोवर्धन सुबह बना बना तो दिया गोबर का, अब शाम वाली पूजा बाकी है, बाकी सुबह वाली तो हमने कर दी कंप्लीट। आजा ना ले जाओ, लेकिन शाम वाली पूजा करेंगे गोवर्धन की। आजा, मंदिरों में से अन्नकूट वगैरह ले आए सब लिए, खा भी नहीं, आजा तेरा नीचे पड़ा है। अरे भाई सारा इसी में रह गया फिर तो। आजा आजा, हेलो जी, नमस्ते, राम राम, क्या हाल चाल आप सबके, स्वागत आपका अपने एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग अपन शुरू करने वाले हैं, गोवर्धन पूजा हो गई है, और अब मैं नहाऊंगा और खाना वाना खाऊंगा। अभी जस्ट भैया ने मेरे को जगाया है, बाकी आगे का व्लॉग आपको पूरा देखने को मिलेगा, बने रहो अपने व्लॉग में, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है आज का अपना। हाँ जी, तो भाई अभी अपन खाएंगे खाना और अन्नकूट वगैरह आ गया है, आपको दिखाता हूँ मैं हमारे मंदिरों में क्या क्या बनता है, और वही अपन खाने वाले हैं। भूख लग रही है बहुत जोरदार, क्योंकि मेरा फेवरेट होता है अन्नकूट, भाई बहुत गजब लगता है, आओ फिर खाते हैं। ये देखो भाई, ये आता है अन्नकूट बाजरे का, और इसमें मूंग भी है, चावल भी है, ये आती है खड्डी, और ये आती है मूली की, पालक गोभी, सारी मिक्स सब्जी। ये खाते हैं भाई, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ लेवल। जिसने भाई अन्नकूट नहीं खाया ना, ऐसे मानो क्या ही मतलब है यार। भाई हमेशा याद रखना, गोवर्धन पूजा के दिन सारे मंदिरों में प्रसाद बनता है, सब खाना। ये 3 बार खा रही है, 2-3 बार पहले खा ली, अब और खा रही है, देख लो। लो जी भाई, खाना खा लिया भाई, बहुत टेस्टी था, मतलब क्या बताऊं इतना टेस्टी। इसके आगे हर एक खाना, हर एक मिठाई फेल है भाई इस अन्नकूट के आगे। देख लो भाई, ब्लॉग देख के खुश हो रहा है ये, बता। ये तो मैं हूं, तो तू है ही नहीं, अभी तो दिख ही नहीं रहा, ये रहा। देख लो, खुद को देख देख के खुश हो रहा है ये, खुद को देख देख के, देखो। अरे वाह, देखो भाई ऐसे करती है। लो जी भाई, चाय वगैरह अपन ने पी ली है, और हमारा गोवर्धन ये रहा। जो हो गोवर्धन बाबा की जह, शाम को ना हम करेंगे इनके पूजा वगैरह करेंगे, आप देखना, मैं दिखाऊंगा आपको हम क्या क्या करेंगे। और बाकी हमारा बेबी इतना शैतान हो गया, देखते देखते बहुत शैतान हो गया, और मेरे पास आ गया फोन, फोन ऐसा आया कि उठाऊंगा नहीं। लो भाई, मैं आ गया हूँ दादा के पास, और ये हम बांध रहे हैं, ये हम इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि हमने खेत में जो बो दिए, और जो इनके ऊपर है ना गिलहरी चढ़ती है। यार मेरे दोनों हाथों से पकड़ा दिया, और दादा मेरे को गालियां और निकाल रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है, मैं काम थोड़ी नहीं करता, काम करता हूँ ना यार, काम करवा ही रहा हूँ ना यार, व्लॉगिंग जरूरी है यार। तुम कब देखोगे, तुम कब देखोगे कि गिलहरी में ऐसे लगाते हैं, ऐसे गिलहरी खाते भी है। अरे आता हूँ, एक तो मैंने पकड़ा मुंडो। ये बांधते हैं, इसलिए बांधते हैं ताकि पेड़ के ऊपर गिलहरी चढ़ नहीं पाए और उसको भगा दिया जाए। ऐसा सिस्टम ये होता है, गिलहरी है ना जो अपने जो उग रहा है ना नया नया, ये देखो ये जो उग रहे हैं ना, इनको खाड़ती है, इनको खा जाती है ना, तो इनका पेट भरता है उनसे, और फिर वो पता क्या करती है, उनको भगाते हैं ना तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। पेड़ के ऊपर कैसे भगाए, अब ऐसे भगाएंगे ना तो पैदल नीचे 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 भागेगी वो। ये होता है भाई दिमाग, दिमाग की बात। तो भाई इसका देसी नुस्खा मेरे दादा ने निकाला है, ये बांध देते हैं, फिर पेड़ के ऊपर गिलहरी चढ़ती नहीं है, फिर अपना काम हो जाता है बढ़िया। अब काम करवाते हैं भाई दादा को, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई अभी अपन आ गए हैं घर पे दादा को काम वाम करा के, कि गोवर्धन पूजा में है ना जितने भी साधन होते हैं उनकी पूजा की जाती है, और आपको पता भी होगा अपन ने सारी गाड़ियों को धो दिया है। क्या भैया ने पीटा तेरे को? अरे चुरन क्या कूटा जाए, चाय बना अपने लिए, चाय बना फिर चाय पियेंगे अपन ना, दोनों भाई बहन चाय तो पियेंगे ना। ये तो राजवीर मेरे को तू ये बता कि जो गोवर्धन अपन पूजा करते हैं ये क्यों करते हैं अपन, बता भाई क्यों करते हैं अपन गोवर्धन पूजा? ओके सिस्टम फेल, बस लव के करवा लो इससे। तो
भाइयों हमने ना सारी भैंसों के सिंगों पे ना हरमच लगा दी है। हरमच होती है लाल रंग की होती है, इसमें ना बहुत बड़ी ताकत है, एक तरीके की ताकत मैं आपको बताता हूँ। ये हरमच है ना दिवाली के दूसरे दिन हम पूर्वजों से लगाते आ रहे हैं। इसका मेन कारण पता क्या होता है, जो सर्दियाँ वगैरह ये होती है ना, जानवरों को सर्दी वगैरह नहीं लगती, ये निमोनिया नहीं बनता, ऐसी जो बीमारियां होती है इनसे ये बचा के रखती है। कैसे रखती है, क्यों रखती है, तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन रखती है, बस ये मेरे को 100% पता है। इसलिए सिंगों के हमेशा हरमच लगाई जाती है, क्योंकि दिवाली जब आती है तब सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है और तभी ये हरमच लगाई जाती है। तो भाई पूर्वजों की जो परंपराएं चल रही है उनको हमेशा बना के रखो और जीते रहो अपनी जिंदगी। मैंने बेबी की बहुत शानदार फोटो लिया, बेबी मेरे को पूछी देके जा यार, मैंने तेरी फोटो ली है, पूछी देके जा, आ जा। ओके अभी बैठा हूँ मैं मेरी मम्मी के पास और मेरी मम्मी बना रही है खाना। लो जी भाई अब समय आ गया है सारे संसाधनों को यहाँ पे खड़ा करने का। मैं गांव में चला गया था इस वजह से, वरना मैं पहले खड़ी कर देता, क्योंकि बड़े फटाके वटाके लेने चला गया था। फटाके वटाके छोड़ना जरूरी होता है, बाकी हमारा बेबी चिल्ला रहा है पीछे, ट्रैक्टर वो चलाएगा और बाकी राजू कर रहा है मैं चलाऊंगा, बाकी कोई नहीं चलाएगा मैं चलाऊंगा। हाँ जी सर, आप ट्रैक्टर से गोवर्धन पूजा करोगे क्या? सर ट्रैक्टर से करेंगे गोवर्धन पूजा, लेकिन पहले सारे जो भी जितने संसाधन होते हैं ना घर में उनकी पूजा की जाती है गोवर्धन के दिन। तो अभी अल्टो अपनी, जीप अपनी, बाकी मोटरसाइकिलों की तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे, दोनों को और लाके खड़ा करना है अभी तक। ओके सर। जीप, अभी जीप लेके आया मैं, अभी लेके आया बस जी, फास्ट। हाँ तो भाई अपन ने तीनों गाड़ियाँ खड़ी कर ली है और अभी अपन करेंगे पूजा तीनों गाड़ियों की। पहले तो तीनों गाड़ियों की पूजा करते हैं, इनमें जो बैठेंगे, जैसे मैं बैठूंगा, भैया बैठेगा, राजू बैठेगा, उनके भी टीके वीके करे जाएंगे, उसके बाद गोवर्धन जी की पूजा की जाएगी। तो कैसे हम पूजा करते हैं आप बने रहो अपने ब्लॉग में, देखना फिर आगे। नंगी टाइगर की बहन, नंगी टाइगर की बहन। ओए सर बाहर तो 20 रुपए, 20 रुपए बहुत है दादाजी, 20 रुपए दे दिए ऐसे, मान मौज आ गई मौज। लो जी भाई गोवर्धन पूजा वगैरह हो गई है और अभी अपन खाएंगे खाना, खाना वगैरह खा के फिर आपसे करते हैं मुलाकात। लो जी तो भाई खाना वगैरह अपन ने खा लिया है, फटाका टाका छोड़ लिया, छोड़ दिया बस हो रहे साहब। क्यों बोला बाप, फटाका कौन छोड़े, क्यों छोड़ लेता बाबा, छोड़ दिया घना छोड़िया काहे छोड़ू बाप, घना छोड़ा मैं का जमाना में 100 रुपया का हो जब 2 रुपया का हो जा, 2 रुपया का फटाका ले आ रहे, तो तू पता तो क्यों, तो मैं तो काई कौन छोड़े हो, 1200 का ले हो जी, तू तो क्यों जो मैं छोड़े हो कौन फटाका रे यार, तू तो घना छोटी मतलब, अरे चुगला चुगले जा गुवार चुगले जा, कौन पूछे जो कर रहा है। हां देख लो भाई सेल्फ डिपेंड होते थे हमेशा। पड़े तो अपन तो आ गए हैं और लगता है तबीयत कभी भी खराब हो सकती है, क्योंकि मौसम परिवर्तन है तो तबीयत का ध्यान रखें। ये वीक्स है लेकिन इसके अंदर वो सूंघने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ने सूंघ लिया पूरा ही, इतना सूंघ लिया कि इसके नशा हो गया विक्स का इस टाइम। हाँ जी तो भाई अभी अपन आ गए हैं अपने रूम में और अभी समय है, दो चीजों का अभी समय है, एक तो अपने व्लॉग को एंड करने का, दूसरा अपने एडिटिंग करने का। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राम राम और ख्याल रखना अपना।